अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद नईम खमर। आइए सबसे पहले सुनने की सादात हासिल करेंगे हदीस से मुबारका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो औरत अपने शौहर की ताबेदार, इसके लिए परिंदे हवा में इस्तग़फार करते हैं और मछलियाँ दरिया में इस्तग़फार करती हैं और फरिश्ते आसमानों में इस्तग़फार करते हैं और दरिंदे जंगलों में इस्तग़फार करते हैं। खबरों के आगाज से खबर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सरकारी अराजियों पर कब्जों की खबरों ने असर दिखाया। खानगी एजेंसी के जरिए तहकीकात का आगाज। धोखेबाज रियल एस्टेट ताजरीन लैंड ग्रैबर्स के अलावा रेत और मोरम माफिया पर हाथ डाला जाएगा। डीसीसीबी चेयरमैन बांसवाड़ा के हाथों बदकमल साड़ियों की तकसीम। उन्होंने कहा कि वजीर आला खवातीन के इस त्यौहार का एहतराम करते हैं। उन्होंने धान की खरीदी के मराकिस का जायजा लिया। रियासती हुकूमत महज सर्वे करवाने में ही अपनी सलाहियतें जाया कर रही है। अवामी मफाद में कोई ठोस काम नहीं किया जा रहा। बीसीसी सेक्रेटरी माजिद खान की रियासती हुकूमत पर तनकीद। माकलूर में जेडपी चेयरमैन के हाथों बदकम्मा साड़ियों की तकसीम। उन्होंने रायतुवेदिका भवन के तामीरी कामों का जायजा लिया। सुस्त रफ्तार कामों पर उन्होंने बरहमी का इजहार किया। अब खबरें तफसील से। अखबारात और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की खबरों ने अपना असर दिखाया। शहर में कई मकामात पर लैंड ग्रैबर सरकारी अराजियों पर कब्जे करते हुए गरीब भोली भाली आवाम में उसको फरोख कर रहे थे। खबरों की नशरियात के बाद इसकी तहकीकात का आगाज हुआ है। एक खानगी एजेंसी के जरिए तहकीकात करवाई जा रही है। धोखेबाज रियल एस्टेट ताजरीन और लैंड ग्रैबर्स की अब खैर नहीं होगी। अखबारात और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सरकारी अराजियों पर कब्जे के मुतालिक मुसलसिल खबरों की नशरियात ने असर दिखाया और इस ताल्लुक से इत्तला के मुताबिक तहकीकात का आगाज हो चुका है। हुकूमत ने तहकीकात की जिम्मेदारी एक खानगी एजेंसी को दी है जिसकी रिपोर्ट पर कार्रवाई की जाएगी। इत्तला के मुताबिक ये खानगी एजेंसी लैंड ग्रैबर्स, धोखेबाज रियल एस्टेट ताजरीन के अलावा रेत और मोरम की माफिया के ताल्लुक से भी तहकीकात करेगी। इत्तला ये भी है कि इस रिपोर्ट के बाद लैंड ग्रैबर्स और माफिया के अफराद के खिलाफ सख्त तरीन कानूनी कार्रवाई की जाएगी और यहाँ कहा जा रहा है कि पीडी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। शहर के मजाफाती इलाके में धरले से सरकारी अराजियों पर कब्जे किए जा रहे हैं और इन सरकारी अराजियों को गरीब व भोली भाली अवाम को भारी कीमतों में धोखे से फरोख किया जा रहा है और इनको जाली फट्टे फ्राहम किए जा रहे हैं। इसके अलावा मोरम और रेत की माफिया भी सरगरम है। अब इस खानगी तहकीकती एजेंसी की रिपोर्ट पर इनके खिलाफ शिकंजा कसा जाएगा। शहर निजामाबाद में नागाराम, धर्मपुरी हिल्स, दुड्डी कुमरैया नगर और इसके अतराफ के इलाकों के अलावा डेयरी फार्म सारंगपुर जेल के करीबी इलाकों के अलावा दीगर कई इलाकों में लैंड ग्रैबर्स की जानिब से सरकारी अराजियों पर कब्जे और उनकी फरोख की इत्तला मिल रही है और इन लैंड ग्रैबर्स को सियासी सरपरस्ती होने की भी इत्तला हासिल हो रही है। ऐसी सूरत में खान की एजेंसी की जानिब से तहकीकात बहुत माना रखती है। रियासती हुकूमत एक के बाद एक सर्वे ही करवा रही है मगर इसका कोई अमली फायदा होता नजर नहीं आता है। पीसीसी सेक्रेटरी माजिद खान की रियासती हुकूमत पर शदीद तनकीद। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड से अहम अराजियों के दस्तावेजात गायब हो चुके हैं। पीसीसी सेक्रेटरी मोहम्मद माजिद खान ने कांग्रेस भवन निजामाबाद में एक सहाफती इजलास से खिताब करते हुए रियासती हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि 7 सालों में टीआरएस हुकूमत ने सिवाय सर्वे कराने के कोई दूसरा बड़ा काम अंजाम नहीं दिया। उन्होंने हैरत का इजहार करते हुए कहा कि हर मामले में सर्वे हो रहे हैं मगर इस सर्वे पर अमलावरी होती नजर नहीं आ रही है। माजिद खान ने कहा कि औकाफी जायदादों के तहफ्फुज के लिए भी सर्वे किया गया था मगर ये सर्वे भी ला हासिल रहा, इसके मुस्बित नतायज सामने नहीं आए। उन्होंने कहा कि रियासत में 77,000 एकड़ औकाफी अराजी है मगर वक्फ बोर्ड के रियासती दफ्तर हज हाउस में चोरी के बाद कीमती अराजियों के दस्तावेजात गायब हो चुके हैं जिसकी वजह से वक्फ बोर्ड अपनी कीमती अराजियों पर मिल्कियत की दावेदारी नहीं कर सकता। उन्होंने हुकूमत से अमली इकदामात का मुतालबा किया। इस सहाफती इजलास में कांग्रेस के रियासती डेलीगेट मोहम्मद ईसा, सदर सिटी अकलियती डिपार्टमेंट कांग्रेस मोहम्मद इजाज के अलावा मोइन यूनुस, अब्दुल अजीम और मोहम्मद आसिफ के अलावा दीगर शरीक थे। 20 साल पहले की बात नहीं है ये, एज ए 2010 में, जबकि 2010 में वहाँ पर मस्जिद का मसला उठाया गया था
लेकिन वहाँ पर जो मस्जिद थी उस दौरे 2010 में मैं एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की हैसियत से मैंने उसको रिप्रेजेंटेशन किया। और वहाँ पर आपको मैं बताता चलूँ, वहाँ पर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो हैदराबाद के जिम्मेदार होते हैं उनको निज़ामाबाद बुलाकर, और यहाँ पर विश्वनाथम यमारो जो उनको हमने सर्वे कराया था, ये जो मस्जिद का इलाका था जो 230 स्क्वायर यार्ड ज़मीन है, यहाँ पर मैं समझता हूँ ये विश्वनाथम यमारो साहब है और ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब है, मैं भी नज़र आ रहा हूँ, यहाँ टेप लेकर माप रहे हैं हम लोग। ये 2010-11 की बात है, 2010-11 में हमने मेजरमेंट करवा दिया और हमने ये कहा कि ये वक्फ की ज़मीन है, और हमने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और वक्फ बोर्ड का जितना भी अमला था सभी लोग आए थे। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ, DRO वी अशोक कुमार साहब भी थे मौजूद, ये अंदर है देखो कलेक्ट्रेट में अंदर DRO वी अशोक कुमार साहब के सामने CO चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैं भी मौजूद हूँ इसमें। हमने कहा कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, हमें हैंडओवर कर दीजिए। उन्होंने कहा कि ठीक है, ये जो कलेक्ट्रेट साहब थे उस टाइम पे 2010-11 की बात है, हम इस पर इंक्वायरी कर आपको हम हैंडओवर करवा देंगे। बल्कि बताया 2011 और 12 के अरसे में मेरा वक्फ बोर्ड सदर की हैसियत से मेरा टाइम ख़त्म हो चुका, उसके बाद हमारी गवर्नमेंट ख़त्म हो गई, 2014 के बाद में TRS गवर्नमेंट आ गई। अब मैं आपको ये एक अच्छा मौका है निज़ामाबाद की आवाम को और ये वक्फ बोर्ड डिपार्टमेंट को और ये वक्फ ज़मीन को बचाने के जो भी लोग आज के आए मालूम है जद्दोजहद कर रहे हैं उन लोग के लिए ये बेहतरीन मौका है। डिवीजन 14 की भगत सिंह कॉलोनी में डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान के हाथों साड़ियों की तकसीम, उन्होंने रियासती हुकूमत की ज़बरदस्त सताइश की और कहा कि रियासती हुकूमत की यह स्कीम गरीब खानदानों को त्यौहार की सच्ची खुशियाँ फराहम करती है। डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान ने इनके डिवीजन 14 में वाक़ भगत सिंह कॉलोनी में हुकूमत की जानिब से तकसीम की जाने वाली दशहरा साड़ियों की तकसीम अमल में लाई। डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान ने कहा कि रियासती हुकूमत की यह स्कीम इंतहाई अहमियत की हामिल है, इससे गरीब व नादार तबके के मुस्तहिक खवातीन में साड़ियों की तकसीम अमल में लाते हुए इनको त्यौहार की सच्ची खुशियाँ फराहम की जा रही है। हर ईद व त्यौहार के मौके पर कपड़ों की तकसीम रियासती हुकूमत का काबिल सताइश काम है। उन्होंने बताया कि ये साड़ियाँ MLC के कविता की जेर निगरानी तकसीम के लिए सरबराह की जा रही है। इस प्रोग्राम में मोहम्मद अरशद और दिगर मौजूद थे। जदीद फैशन और तर्ज के बाल तरशवाने और बालों को खूबसूरत बनाने की गर्ज से ब्लैक एंड वाइट प्रोफेशनल सैलून का आगाज किया गया। सीनियर कायद रफत मोहम्मद खान ने इस सैलून का इफ्तिताह अंजाम दिया। डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान भी मेहमान खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। अहमदपुरा कॉलोनी में मक्का मस्जिद रोड पर ब्लैक एंड वाइट प्रोफेशनल सैलून का आज सीनियर इंचार्ज कॉर्पोरेटर रफत मोहम्मद खान के हाथों इफ्तिताह अमल में आया। इस इफ्तिताही तकरीब में डिप्टी मेयर मोहम्मद इदरीस खान ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि दिगर मेहमानों में शहजाद मिर्जा वगैरह भी शामिल थे। मेहमानों का सैलून के मालिक अब्दुल परवेज उर्फ समी और मोहम्मद मुस्तकीम ने इस्तकबाल किया। इस मौके पर मोहम्मद तबरेज और अब्दुल हमीद भी मौजूद थे। परवेज ने फैशन के दिलदा और जदीद तर्ज पर बालों को संवारने के ख्वाहिशमंद अफराद नौजवानों से ख्वाहिश की कि वो इस सैलून की खिदमत से इस्तेफादा करें, क्योंकि माहिरीन की खिदमत से इस्तेफादा किया गया है। किसान अपने अजनास को सरकारी मराकज़ पर ही फरोख्त करें और दलालों के झांसे का शिकार ना हो, बल्कि सरकारी मराकज़ पर अजनास फरोख्त करते हुए अच्छे दाम हासिल करें। एड़पल्ली PACS चेयरमैन मलका रेड्डी ने मजीद कहा कि हुकूमत ए ग्रेड धान की कीमत 1888 रुपये और बी ग्रेड धान की कीमत 1868 रुपये फराहम कर रही है। एड़पल्ली मंडल में किसानों की सहूलत के लिए धान की खरीदी के मराकज़ कायम किए जा रहे हैं। किसान इन सरकारी मराकज़ से इस्तेफादा हासिल करे और अपने अजनास के मुनासिब दाम हासिल करें, ये बात एड़पल्ली PACS चेयरमैन मलका रेड्डी ने कही। उन्होंने किसानों से ख्वाहिश की कि अपनी फसलों को दलालों के हाथ कतई फरोख्त ना करें, बल्कि रियासती हुकूमत की जानिब से कायम किए जाने वाले सरकारी मराकिस में ही अपनी फसल को फरोख्त करते हुए अच्छे दाम हासिल करें। एड़पल्ली मंडल के मौजे वड्डेपल्ली में धान की खरीदी का पहला मरकज कायम किया गया। मलका रेड्डी ने बताया कि सरकारी मराकिस पर ए ग्रेड धान की कीमत 1888 रुपये और बी ग्रेड धान की कीमत 1868 रुपये फी कुंटल मुकर्रर की गई है। किसान इससे इस्तेफादा हासिल करें। उन्होंने सेंटर के क्याम में ताउन करने वाले ओहदेदारों से इजहार तशक्कुर किया। उड्डेपल्ली ग्रामस्थल सूचन मेरे को दी प्रपोजल पंप कांटा चुक आ रैत तरफ नाको आनंद एंकंटे विधम ग्राम
डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी के हाथों बदकम्मा साड़ियों की तकसीम अमल में आई। उन्होंने कहा कि रियासती वजीर आला खवातीन के इस त्यौहार का एहतराम करते हैं और उनकी खुशियों में शरीक रहते हैं। उन्होंने धान की खरीदी के मरकज का भी जायजा लिया। बांसवाड़ा हलके के वर्नी और रुद्रूर में डीसीसीबी चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी ने खवातीन में बदकम्मा साड़ियों की तकसीम की और बाद हिस्सा सरकारी जानिब से खरीदी जाने वाली धान के कई सेंटर्स का भी इफ्तिताह किया और आवाम से मुखातिब होते हुए बताया कि गुज़िश्ता मुश्तरका आंध्र प्रदेश में किसी हुकूमत ने भी खवातीन के लिए कुछ नहीं किया। आज सीएम केसीआर खुसूसन खवातीन के लिए बदकम्मा साड़ियों को तकसीम कर रहे हैं। बदकम्मा को खवातीन बड़े ही जोश व खरोश से मनाती है। सीएम केसीआर खवातीन के इस त्यौहार का एहतराम करते हुए पिछले 4 सालों से खवातीन की खुशियों को दोबाला कर रहे हैं और इन साड़ियों को तैयार करने वाले मजदूरों की जिंदगियों को भी एक नया रंग दिया है और एमएलसी कविता ने इस खवातीन के त्यौहार को रियासत और पूरे देश में एक नई पहचान दी है। उन्होंने बताया कि धान खरीदी सेंटर को वेमला प्रशांत रेड्डी वजीर के ताउन से 777 सेंटर्स जिले में कायम करते हुए किसानों की हिम्मत अफजाई भी की है। उन्होंने किसानों से ख्वाहिश की कि अपनी फसलों को किसान सरकारी सेंटर्स में ही फरोख्त करे, किसी दलाल के हाथों बेचकर धोखा ना खाए। इस प्रोग्राम में इनके हमरा बोधन आरडीओ राजेश्वर, डीसीओ सिम्हाचलम, वर्नी मार्केट कमेटी चेयरमैन संजीव, रुद्रूर एमपीपी सुजाता नागेंद्र, जेडपीटीसी एन गंगाराम वगैरह भी मौजूद थे। ఈ కష్టకాలంలో కూడా ప్రతి ఒక్కని ప్రతి ఒక్క గింజని ప్రభుత్వమే కొంటా అని చెప్పేసి నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది। పోయినసారి కూడా పోయిన సీజన్లో కూడా ప్రతి గింజని ప్రభుత్వం కొని మా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు రైతుల గుండెలో నిలిచిండు। ఎందుకంటే ఇంత కష్టకాలంలో కరోనా కష్టకాలంలో కూడా ఎన్నో రాష్ట్రాలు రైతులని ఆదుకునే పరిస్థితులు కూడా లేరు, కానీ ఈ రోజు మన తెలంగాణ రాష్ట్రము ఆర్థిక మాంద్యం ఉన్నా కూడా మా ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు గత 6 నెలల నుంచి ఎప్పుడైతే కరోనా మొదలైందో ఏ ఒక్క రోజు కూడా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజల తరపున క్షణం కూడా ఒకసారి కూడా వాళ్ళకి ఇబ్బంది కలగకుండా ఈరోజు 6-7 మాసాల నుంచి మన తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రజల్ని అన్ని విధాలుగా ఆదుకుంటూ వస్తున్నాడు। వేరే రాష్ట్రాల్లో రైతులకు జరిగే అన్యాయం జరుగుతూనే ఉంది। ప్రభుత్వాలు ఏ ప్రభుత్వాలు ఇప్పుడు 12 రాష్ట్రాలలో బీజేపీ ప్రభుత్వం ఉంది। ఆ బీజేపీ ప్రభుత్వం ఉన్న దగ్గర కూడా సెంట్రల్ కూడా బీజేపీ ప్రభుత్వం ఉంది, అయినా కూడా బీజేపీ ప్రభుత్వాల రాష్ట్రాలు ఎక్కడైతే ఉన్నాయో అక్కడ కూడా రైతులు పండించే పంటని ఈ రోజు ప్రభుత్వం కొనలేని పరిస్థితిలో వాళ్ళు ఉన్నారు, కానీ ఈ రోజు మనం అట్లా కాదు। మన తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి నాజరీన్ యాలతే ఏక్ ఛోటా సా వక్ఫా। नया एमजी ब्रांड नारियल का तेल मार्केट में आ चुका है और अवाम का एतमाद हासिल कर चुका है। हर आए दिन इसके तलब में इजाफा हो रहा है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100% खालिस नारियल का तेल जो हर किस्म के केमिकल से पाक है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल आपके बालों को चमकदार, घने, लांबे और मजबूत बनाता है, बालों के झड़ने को रोकता है और डैंड्रफ से नजात दिलाता है, साथ ही जहन को सुकून व ताजगी फराहम करता है। एमजी ब्रांड नारियल का तेल 100ml, 200ml और 500ml की बोतलों में दस्तियाब है। साथ में 5G ब्रांड वॉशिंग पाउडर बिल्कुल मुफ्त। इसके अलावा हमारे पास कैस्टर ऑयल यानी असली एरंडी का तेल भी दस्तियाब है। मार्केटिंग व मैनेजमेंट बाय एमजी ट्रेडिंग कंपनी, अकब मस्जिद कचियान, मारवाड़ी गली, निजामाबाद। कॉन्टैक्ट नंबर 8309640502। बेहतरीन इलाज के लिए जिले का सबसे मुनफरिद मरकज आशीर्वाद हॉस्पिटल। जी हाँ, आशीर्वाद हॉस्पिटल
जहां पर तजुर्बेकार वो माहिर डॉक्टर हम खिदमत पर मौजूद रहते हैं। सीना बिलखुसूस फेफड़ों के आरजे में मुब्तला मरीजों के लिए खुशखबरी। टीबी, अस्थमा और सीओपीडी के अलावा दीगर अमराज में मुब्तला परेशान लोगों के लिए डॉक्टर सैयद उमर अहमद एमबीबीएस एमडी पल्मोनरी मेडिसिन के माहिर डॉक्टर की यहाँ खिदमत हासिल है। डॉक्टर सैयद उमर अहमद जिले के चंद मशहूर डॉक्टर्स में शुमार किए जाते हैं। इनसे रक्त पैदा करते हुए इलाज करवाया जा सकता है। इसके अलावा डॉक्टर प्रशांत करदोकर एमजी नजरजन सर्जन और खवातीन के अमराज की माह डॉक्टर अरुणा करदोकर एमबीबीएस डीजीओ की खिदमत से इस्तेफादा किया जा सकता है। हमारा पता नोट फरमाएं, आशीर्वाद हॉस्पिटल, जिला कोऑपरेटिव बैंक के सामने वाली गली में, सरस्वती नगर, रोड नंबर 2, निजामाबाद। सेलफोन नंबर 9515116333 और 8801029215 या फिर लैंडलाइन नंबर 08462522322 और 220322 पर रक्त पैदा करें। एक और खुशखबरी, आशीर्वाद हॉस्पिटल में पल्स और पिस्तोला का शर्तिया इलाज मौजूद है। जिले निजामाबाद में पहली बार पेट और इजाबत से मुतालिक जुमला इमराज के शर्तिया इलाज के लिए फौरी रक्त पैदा करें। खुसूसी बात यह है कि आशीर्वाद हॉस्पिटल में लेजर के जरिए इलाज किया जाता है। हमर कैटरिंग जो बहुत ही मुख्तसर से अरसे में बेपनाह मकबूलियत और एतमाद हासिल कर चुकी है, 50 अफराद से लेकर 5000 अफराद तक की दावत का चाहनेशाह एहतमाम किया जाता है। हम अकसाम के पकवान बनाने वाले माहिर बर्तनों की खिदमत हासिल है। खूबसूरत व आरास्ता डाइनिंग टेबल्स पर पुरतकल्लुक जायकेदार खाने ऐसे कि आपका दिल झूम उठे और आप बेसाख्ता कहने लगे कि जायकेदार खाने बस खमर कैटरिंग के। तो फिर अपनी तकरीबात की मुकम्मल जिम्मेदारी मैं फंक्शन हॉल की बुकिंग, डेकोरेशन, वेटर्स और तमाम जिम्मेदारियों से आप बिल्कुल बेफिक्र होकर अपनी खुशियों को दोबाला कर सकते हैं। तो फिर हासिल कीजिए खमर कैटरिंग की बाएतमाद खिदमत। डायल कीजिए सेल फोन नंबर 8074699279 या 8099897 4 और रब पैदा करें प्रोपराइटर अब्दुल वासे से। याद रखिए जायकेदार और मियारी खानों के लिए सिर्फ और सिर्फ खमर कैटरिंग। वक्फे के बाद फिर से आपका खैर मकदम है। मगलूर में बारिक चावल की लगाई गई फसल 50% के लगभग खराब हो चुकी है और इस फसल में कीड़ा भी लग चुका है। इस ताल्लुक से अहदेदारों ने भी कोई शऊर बेदारी नहीं की। कीड़े मारा दवा के छिड़काव के बाद भी ये फसलें महफूज नहीं रही। मगलूर मंडल में जरई अहदेदारों के मुताबिक बारिक धान की काश्त बोई गयी मगर 50% फसल को कीड़ा लग जाने से फसल को पूरी तरह नुकसान पहुंचा। किसानों ने बताया कि जरई अहदेदार फसल को आने वाली बीमारियों को पहले देखते या किसानों को इंतबाह देते तो बीमारियों की रोकथाम की जा सकती थी। किसानों ने बताया कि फिर भी हमने कीड़ा मार दवाओं का स्प्रे भी किया जिसका हमें नुकसान उठाना पड़ा। किसानों ने ख्वाहिश की कि हुकूमत इस 50% तबाह फसल को अच्छे दामों में खरीदे और किसानों को परेशान ना करे। किसानों ने सवाल किया कि जरई अहदेदार फसलों को पकने के बाद आखिरी वक्त दिए जाने वाले मशवरों से किसानों को क्या फायदा हासिल होगा। मगो काला वर्षा बागा पड़ाई काबट्टी मगो इपड़ रैतु लोकु इब्बंदी अंटे काटिका काटिका अंटे विपरीतंगा वच्चिंदी आ विपरीतंगा वच्चट्ला मगो दिगुबड़ी तग्गुतदि मल्ला इपड़ एफ्सी एम चेस्तदि काटिक उन्नदनि रैस मिल्ल अंदरू कलिसि ఆ కట్టకాకుండా చూడాలి గవర్నమెంట్. మాకు ఇబ్బంది అవుతుంది రైతులకు. ఇప్పుడు మొత్తం మన ఆలు నిజామాబాద్ డిస్టిక్ మొత్తం కాటుక ఉన్నది. రైస్ మిల్లర్తో మాట్లాడి గవర్నమెంట్ మాకు హెల్ప్ చేయగలని మేము కోరుచున్నాము రైతుల తరఫున. ఇప్పుడు మాకు ఎఫ్సీ కాట కానీ తొందరగా వచ్చేట చూడాలని మేము. मेडोरा मंडल के मौजेदोदी की हदूद में 3 अफराद जिनमें एक 13 साल का लड़का भी शामिल है मछलियां पकड़ने किनार पर पहुंचे थे। एसआरएसपी में पानी के तेज रफ्तार आमद की वजह से इसके गेटों को खोल दिया गया। पानी के तेज बहाव में ये 3 अफराद फंस चुके थे, बाद डिजाइन को बचा लिया गया। मेंडोरा मंडल के दूधी गांव के हदूद में पोचमपाड़ के गेटों को बंद पाकर 3 अफराद मछलियां पकड़ने की कोशिश कर रहे थे कि निर्मल जिले गिंजाल के रहने वाले 3 अफराद किनाल में मछलियां पकड़ रहे थे कि एसआरपी अहदेदारों ने बारिश से आने वाले पानी को देखकर गेटों को अचानक खोल दिया जिसके बाइस 3 अफराद पानी में बह गए जिसमें 55 साल शंकर मुश्किल से किनारे पर पहुंचा और लक्ष्मण और 13 साल नंदू का तेज बहाव की वजह से बहुत दूर तक पता ना चला। इस बात का पता चलने पर मेंडोरा एसआई सुरेश ने डैम के अहदेदारों से बात करके पानी के बहाव को कम करवाया
और चाक्रियल सरपंच ने भी हरकत में आते हुए तैराकों के सहारे से लक्ष्मण और नंदू को भी पानी के तेज बहाव से ढूंढ निकाला। तैराक भी देवेंद्र की दिलेरी और दो अफराद की जान बचाने पर एसआई सुरेश, एमआर और जनार्दन। चाक्रियल सरपंच देवन्ना ने तैराक देवेंद्र की सताइश की। मोसरा में तहसील ऑफिस पर किसानों ने सीपीआईएम की क्यादत में धरना मुनज़्ज़म किया। सीपीआईएम कायद नन्ने साहब ने बताया कि हालिया बारिश ने फसलों को तबाह कर दिया है, लिहाजा हुकूमत किसानों को मुआवजा अदा करे और फी एकड़ 30,000 रुपए मुआवजा फराहम करे। मोसरा मंडल ऑफिस के सामने सीपीएम पार्टी की क्यादत में किसानों ने धरना देते हुए तहसीलदार को मेमोरेंडम पेश किया। 3-4 दिनों की मौसलाधार बारिश से खड़ी फसलों के गिर जाने से किसानों को होने वाले नुकसान का सीपीएम कायदीन ने किसानों के हमरा मुआयना किया। इस मौके पर बात करते हुए सीपीएम कायद नन्ने साहब ने बताया कि किसानों की जिंदगी ज़राअत पर मुनहसर है और अब इनकी फसलें पूरी तरह तबाह हो चुकी है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा करते हुए कहा कि किसानों को उनकी फसलों के नुकसान के लिए फेंककर 30,000 रुपये हुकूमत अपनी जानिब से अदा करे, क्योंकि खड़ी फसलें पानी और हवा से गिर चुकी है, धान पूरी तरह भीग चुकी है, इसलिए भीगी हुई धान की सही कीमत अदा करने का मुतालबा किया और ज़रई व रेवेन्यू अहदेदार फौरन सही इकदाम उठाते हुए फसलों के नुकसान का सही अंदाजा लगाते हुए किसानों के साथ इंसाफ करे और जल्द ही मुआवजा अदा करे। इस मौके पर रैतु संगम कन्वीनर एम मल्लेश और किसान कायदीन बलराज राम रेड्डी, नरेंद्र साइलू और राज रेड्डी वगैरह भी मौजूद थे। तेलंगाना लो भारी वर्षा की निजामाबाद जिला लो मुसरा मंडलम ग्राम लो रैतुलु व्यवसाय मीद आधार पड़ बतके जीवन कोनसागिस्तुन्नारु। मुसरा मंडल निजामाबाद जिला लोने ఈ భారీ వర్షానికి తెలంగాణలో పంట పొలాలన్నీ నేలమట్టమైనాయి। తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం, రైతులని తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఆదుకోవాలి। సుమారు ఒక్కొక్క రైతు ఎకరానికి 30,000 రూపాయల చొప్పున పెట్టుబడి పెట్టి सुमारु 5-10 एकड़ सागु चेस्तुन्नारु। रंजन मंडल के कंताकुर्ती के त्रिवेणी संगम पर मौजूद शिवालयम जरे आप आ चुकी है। इस संगम को देखने और नजारे से महजूज होने के लिए लोगों की बड़ी तादाद यहां पहुंच रही है। एसआरएस मीडियम में भी तेज रफ्तार पानी की आमद का सिलसिला जारी है। रेंजर मंडल में गुज़िश्ता 4 दिनों से होने वाली मौसलाधार बारिश से कंदाकुर्ती ब्रिज के ऊपरी हिस्से तक पानी आया और गोदावरी में पानी के तेज बहाव की वजह से गोदावरी में पुरानी मंदिर शिवालयम का ऊपरी हिस्सा पानी में गर्क हो गया। त्रिवेणी संगम हरिद्रा मांजरा में गोदावरी की लहरों की तेज रफ्तारी को देखने और पानी नहाने के लिए कई जायरीन आ रहे हैं। पानी के तेज बहाव आने से इस नज़ारे को देखने वालों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। कंदाकुर्ती बासरा से होते हुए जाने वाले इस पानी की वजह से श्री राम सागर डैम में 50,000 क्यूसिक पानी की आमद का सिलसिला जारी है और एसआरएसपी डैम से पानी का अखराज किया जा रहा है। रेंजर मंडल के अहदेदारों ने किनाल के करीब रहने वालों को अलर्ट रहने का इंतबाह दिया। जिला परिषद चेयरमैन डी विठल राव ने बदकमा साड़ियों की तकसीम अमल में लाई। मागलूम में उन्होंने साड़ियों की तकसीम के बाद रेतु वेदिका भवन के तामीरी काम का भी जायजा लिया और कामों की सुस्त रफ्तारी पर कंट्रैक्टर से जवाब तलब किया और तेज रफ्तार कामों की हिदायत दी। मागलूर मंडल में जिला परिषद चेयरमैन डी विठल राव ने बदकमा की साड़ियों की तकसीम की। इसके बाद मागलूर मंडल के रेतु वेदिका के तामीरी कामों का मुआयना किया और इस मौके पर बात करते हुए उन्होंने मंडल में गुंजली, डिकम्पल्ली, गुटमुकला, अमराद और माकलूर में सरकारी जानिब से तामीर किए जाने वाले रैतु वेदिका भवन की तामीर में सुस्ती की वजह जानना चाहिए और बताया कि हुकूमत रैतु वेदिका की तामीरी कामों में जल्दी लाने के लिए सरकारी जानिब से कॉन्ट्रैक्टर को रेती पहुंचाते हुए तमाम सहूलियात फराहम कर रही है, फिर भी कॉन्ट्रैक्टर की काहली की वजह ना मालूम हो सकी। जिला परिषद चेयरमैन ने बताया कि सीएम केसीआर रैतु वेदिका की जल्द तामीर करते हुए किसानों को फराहम करने के लिए बेहद संजीदा है। उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर को मंडल के तामीरी कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने की ख्वाहिश की। इस मौके पर मुकामी सरपंच अशोक, एमपीडीओ सकरिया नायक, पंचायत एई किशन और एमआरओ अंजनेलु भी मौजूद थे। మన తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత సీఎం కేసీఆర్ గారి ఆధ్వర్యంలో మరి ఎన్నో అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు మన రాష్ట్రంలో జరుగుతూ ఉన్నాయి, ఎక్కడా జరగడం లేదు। దాంట్లో భాగంగానే
ఈ మూడు సంవత్సరాల నుంచి మరి మన ఆడపడుచులు దసరాకు కొత్త చీరలు కట్టుకోవాలి, బతుకమ్మకు కొత్త చీరలు కట్టుకోవాలనే ముఖ్య ఉద్దేశంతో మరి సీఎం కేసీఆర్ గారు ఈ బతుకమ్మ చీరలు గత మూడు సంవత్సరాల నుంచి ఇస్తూ ఉన్నారు. మీకు తెలుసు, మనము 14 సంవత్సరాలు తెలంగాణ ఉద్యమం చేసినాం, మీరు కూడా పాల్గొన్నారు. బతుకమ్మలు ఆడిండు, బోనాలు ఆడిండు, తెలంగాణ సాధించిన తెలంగాణలో ఈరోజు ఏ వర్గము ఏ కులము దూరం కాకుండా అన్ని కులాలకు సీఎం కేసీఆర్ గారు దగ్గర తీసి వాళ్లకు బెనిఫిట్ చేస్తూ ఉన్నాం. అమ్మా, అప్పుడు మన తెలంగాణ సంస్కృతి సంప్రదాయము మరి ఆంధ్ర పాలకుల చేతిలో మరుగున పడిపోయింది. దాన్ని తిరిగి తీసుకొచ్చి మరి ఎవరైతే కేసీఆర్ గారు ఒక్కడు ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారో మేము ఎందుకు ఉండాలి అమెరికాలో అని చెప్పేసి మన కవితమ్మ గారు, మాజేంటి ఇప్పుడు మన ఎమ్మెల్సీ అయిన కవితమ్మ గారు, కేటీఆర్ గారు వచ్చి మరి నాన్నకు చేదోడు వాదోడు ఉండి ఉద్యమంలో పాల్గొన్నారు. జాగృతి అనే సంస్థను పెట్టి కవితమ్మ మరి మరుగున పడిన తెలంగాణ సంస్కృతి సంప్రదాయాలన్నీ మరి బయటకు వెలికి తీయడం జరిగింది. దాంట్లోనే బతుకమ్మ అనే పదము గతంలో ఉండే మధ్యలో లేదు. मुफ्फल मंडल में टीआरएस कायद भुवनेश्वर ने बतकम्मा साड़ियों की तकसीम अमल में लाई. उन्होंने कहा कि रियासती वजीर आला ने गरीब आवाम को त्यौहार की खुशियां फराहम करने के लिए इस स्कीम का आगाज किया है. उन्होंने कहा कि रियासत की तमाम फलाही स्कीम बेमिसाल हैं. मुफ्फल मंडल में ग्राम पंचायत के अहाते में टीआरएस पार्टी कायद एम भुवनेश्वर के हाथों बतकम्मा साड़ियों की तकसीम अमल में लाई गयी. इस मौके पर बात करते हुए पार्टी कायद भुवनेश्वर ने बताया कि टीआरएस हुकूमत दशहरा के खुसूसी मौके पर खवातीन के लिए अच्छी साड़ियां तकसीम कर रही है, जो बतकम्मा का एक तोहफा है. टीआरएस हुकूमत में ही खवातीन माजूरों और बड़े बूढ़ों के लिए नए स्कीमात लाते हुए पेंशन मंजूर किए गए हैं. इस मौके पर खवातीन ने सीएम केसीआर और वेमला प्रशांत रेड्डी का शुक्रिया अदा किया. इस प्रोग्राम में जिला जरई ओहदेदार गोविंद, MPP S पद्मा, ZPTC बदम नरसू, MPTO दामोदर, सेक्रेटरी विजय कुमार और TRS कायदीन भी मौजूद थे. ఉక్కల్ మండలంలో బతుకమ్మ చీరల పంపిణీ ప్రారంభోత్సవానికి చేసినటువంటి ప్రజాప్రతినిధులందరికీ, గౌరవ సర్పంచ్ గారికి, ఎంపీసీ గారికి, చైర్మన్ల గారికి, మరియు తహసీల్దారు, ఎండిఓ, నేను నియోజకవర్గ స్పెషల్ ఆఫీసర్ని, ముఖ్యంగా మనకు ఇంతకుముందు ఎన్నికల నిబంధనల ఆవళి అమల్లో ఉండదు కాబట్టి మనం డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఈరోజు పెట్టుకోవడం జరిగింది. కాబట్టి మన మండలానికి సుమారుగా 7200 చీరలు అవసరం ఉంటే 5700 చీరలు రావడం జరిగింది. ఈ ముక్కాల్ గ్రామానికి కూడా 1700 చిల్లర చీరలు మనకు ఈరోజు రావడం జరిగింది. అయితే ముఖ్యంగా ప్రారంభోత్సవంలో కొంతమందికి ఇవ్వడం జరిగింది. తర్వాత రేషన్ షాప్ వారిగా ఆ కౌంటర్లు ఏర్పాటు చేసుకొని సజావుగా వాళ్ళకి రేషన్ కార్డులు ఎవరైతే ఎంతమంది 18 ఇయర్స్ దాటిన महिला उठारो वाले तपकड़ा चीरल पंपणी कार्यक्रम जरूरता. खबरों के अख्ताम से खबर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर. सरकारी अराजियों पर कब्जों की खबरों ने असर दिखाया. खानगी एजेंसी के जरिए तहकीकात का आगाज. धोखेबाज रियल एस्टेट ताजरीन, लैंड ग्रैबर्स के अलावा रेत और मोरम माफिया पर हाथ डाला जाएगा. DCCB चेयरमैन बांसवाड़ा के हाथों बतकम्मा साड़ियों की तकसीम. उन्होंने कहा कि वज़ीरे आला खवातीन के इस त्यौहार का एहतराम करते हैं. उन्होंने धान की खरीदी के मराकिस का जायजा लिया. रियासती हुकूमत महज सर्वे करवाने में ही अपनी सलाहियतें जाया कर रही है. अवामी मफाद में कोई ठोस काम नहीं किया जा रहा. BCC सेक्रेटरी माजिद खान की रियासती हुकूमत पर तनकीद. माकलूर में ZP चेयरमैन के हाथों बतकम्मा साड़ियों की तकसीम. उन्होंने रायतु वेदिका भवन के तामीरी कामों का जायजा लिया. सुस्त रफ्तार कामों पर उन्होंने बरहमी का इजहार किया. खबरें इतनी, नई खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए दें इजाजत. अल्लाह हाफिज़.